दशा मां की प्रतिमा के विसर्जन के मुद्दे प्रसिद्ध किए गए परिपत्र अंतर्गत सामाजिक कार्यकर अतुल गामेची द्वारा नवलखी स्थित कृत्रिम तालाब में विसर्जन की व्यवस्था बढ़ाई जाए वैसी मांग की थी। दशा मां के चल रहे व्रत के अंतर्गत म्युनिसिपल कमिश्नर द्वारा अचानक से ही जाहिरनामा प्रसिद्ध कर नदी तालाब में दशा मां की प्रतिमा का विसर्जन पर प्रतिबंध लादते हुए 5000 रुपए का दंड वसूल करने का फरमान जारी किया है, जिसका श्रद्धालु लोगों में भी रोष फूट निकला है। जो इस जाहिरनामा का विरोध करते हुए आज सामाजिक कार्यकर अतुल गामेची द्वारा नवलखी स्थित बनाए गए वैसे कृत्रिम तालाब में माँ दशा मां की प्रतिमा का विसर्जन करने के लिए व्यवस्था बनानी चाहिए वैसी मांग की थी। वडोदरा महानगर सेवा सदन ना म्युनिसिपल कमिश्नर द्वारा जाहिरनामु बहार पाड़वामां आव्युं छे के वडोदरा शहर में जे पण नदी ने तलावो छे तेमां मां दशा मां नी मूर्तिओनुं विसर्जन करवुं नहीं, करवा देवुं नहीं, नहीं तो 5000 रुपयानो दंड थशे अने साथे कायदेसरनी कार्यवाही थशे। आजे ज्यारे अमे नवलखी मैदान में आया छे त्यारे जोई शकीए छे के ज्यां गणपति दादानुं विसर्जन थतुं हतुं ते जग्या अत्यारे ढाळ बनावामां आव्यो छे, काम करवामां आव्युं छे। तो वडोदरा शहरना एक नागरिक तरीके अमारे म्युनिसिपल कमिश्नर साहेबने विनंती छे के ज्यां कृत्रिम तलाव नवलखी में गणपति दादा विसर्जन करता था तेनी अंदर हाल में माँ दशा मां की मूर्तिओनु पण विसर्जन करवा दे तो वडोदरा शहर की जनता पण खुश रहेशे अने तमाम मूर्तिओनु विसर्जन अहींया थई शके तेम छे। तो वडोदरा म्युनिसिपल कमिश्नर ने अमारी विनंती छे कि वडोदरा शहरना नागरिकों माटे आ तळाव में माँ माँ दशा मां की मूर्तिओ विसर्जन थाय तेवा प्रयास वडोदरा महानगरपालिकाना म्युनिसिपल करी आपे तेवी अमारी मांग छे।